Assalamu alaikum. Myself Sabiha Badshah. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 3, Subject Maths. Chapter 7, Time Goes On. आज हम सीखेंगे वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 7. Draw the hands of the clock to show the time given below. देखें यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस वाली क्लॉक में यहाँ पर हमको 3:30 हुए हैं और ये जो हैंड्स बताए हैं आवर हैंड एंड क्लॉक हैंड आवर हैंड एंड मिनट हैंड, हमें ऐसे ये जो बाकी वाले क्वेश्चंस हैं इसमें हमें हैंड्स यानी आवर हैंड और मिनट हैंड ड्रॉ करना है. हमें टाइम यहाँ पर दिया हुआ है. इसके आगे वाले वीडियो में क्लॉक कैसे वर्क करती है और कितने मिनट्स के बराबर कितने आवर्स होते हैं और कितनी सेकंड्स के बराबर क्या मिनट होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था. इस वाले वीडियो में मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि 60 सेकंड्स इज़ इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 आवर. अब देखें यहाँ पर हमको 10:10 दिया हुआ है, तो हमें ऑलवेज़ आवर हैंड जो है वो मिनट हैंड से स्मॉल होता है. तो यहाँ पर हम 10 और 11 के थोड़े 10 से ज़रा सा ऊपर और 10:10 कहा है तो ये एग्जैक्ट 10 पर आएगा. चलिए नेक्स्ट देखें तो 5:10:20 कहा है यानी 5:20. सो 5 और 6 के बीच एग्जैक्ट बीच भी नहीं, बिकॉज 5.5 नहीं हुए हैं ना इसलिए. और 20 मिनट कहा है तो 20 मिनट एग्जैक्ट यहाँ पर होते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. तो नेक्स्ट पेज पे हमको कहा है 6:15 बताना है हमें. तो 6 जो है वो आवर हैंड को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और मिनट्स कितने हुए हैं तो 15 मिनट्स हुए हैं. आप लोग यहाँ पर 15 ऐसे ड्रो करोगे. चलिए देखिए 6:30 हुए हैं तो 6:30 यानी कि 6 और 7 के एग्जैक्ट बीच हमारा आवर हैंड आएगा और 30 मिनट. सो ये हो गया मिनट हैंड. नेक्स्ट 3:45 यानी 4 के और हैंड जो है वो 4 के एग्जैक्ट करीब होगा और 45 मीन्स यहाँ पर 9 पर जब मिनट हैंड होता है तो 45 मिनट्स कंप्लीट होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखें तो 12:35 कहा है. 12 और 1 के बीच एग्जैक्ट आएगा हमारा और हैंड और 35 मीन्स 7 यहाँ पर 35 मिनट होते हैं, वहाँ पर मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे हम. नेक्स्ट 10:05. तो अभी देखिए 10 जो है यहाँ पर हम आवर हैंड ड्रॉ करेंगे और 5 मिनट मीन्स 1 पर हमारा मिनट हैंड होगा तब 5 मिनट कंप्लीट होंगे. चले नेक्स्ट करेंगे 12:50. तो ये फर्स्ट हम आर हैंड ड्रॉ कर रहे हैं और 50 मिनट कब होता है, जब हमारा मिनट हैंड 10 पर पहुंचता है तब हमें 50 मिनट होता है तो ये हो गया मिनट हैंड. नेक्स्ट 4:40. सो यहाँ पर हमने आर हैंड ड्रॉ किया और 40 मिनट जब हमारा मिनट हैंड 8 पर पहुंचता है तो 40 हो जाता है तो ये हो गया हमारा मिनट हैंड. नेक्स्ट 7:55. तो हमारा आर हैंड जो है वो 8 के करीब होगा और मिनट हैंड जो है वो 11 पर होगा. सो ये हो गया हमारा मिनट हैंड. नेक्स्ट 8:25. तो 8:25
ये हो गया हमारा आर हैंड, और 25 मिनट जब हमारा मिनट हैंड यहाँ 12 से कंप्लीट करते हुए, 12 से 1 वो 5 मिनट कंप्लीट करता है, 1 से 2 20 मिनट, 10 से 3 पर 15 मिनट, 3 से 4 पर 20 मिनट, और 4 से 5 पर वो 25 मिनट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर हमारा मिनट हैंड हम ड्रॉ करेंगे 5 तक। बेटा आप लोग भी अच्छे से अपनी बुक में इस तरह इसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मिनट हैंड और आर हैंड ड्रॉ करने में गलती मत करना, अच्छे से अपनी बुक में कंप्लीट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह।